साइन होंगे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा हम व्लॉग बोल लेते हैं या वीडियो बोल लेते हैं, जो भी बोलते हैं। तो लेकर आई हूँ और आप जैसे मेरे हेयर देख रहे हो, तो टाइटल में आपने ये भी लिखा देखा होगा कि एक बिना हीट के हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें कोई भी हीट बिना यूज किए हुए हम अपने बालों को कर्ली करें। और जैसे आप जानते हो जो देखते हैं मेरे वीडियो, मेरे जो हेयर है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, हाँ बिल्कुल भी कर्ली नहीं है। एक होता नहीं है कि थोड़ा सा भी किसी के हेयर जो होते हैं थोड़ा सा कर्ल होते हैं, बट मेरा, मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल भी कर्ली नहीं है, नेचुरली वो स्ट्रेट है। तो मैं ना के बराबर अपने हेयर पे कोई भी हीट टूल जो है वो यूज करती हूँ। तो भी मैंने जैसे बात लिया है तो मैं एक नेचुरल तरीके से आपको बताऊंगी, आप वो कर सकते हो। तो जैसे अभी मेरे पूरे जो बाल है ना वो गीले हैं, तो आप क्या करो ना, इनको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ऊपर की तरफ। देखती हूँ क्या होता है, 5 मिनट से 10 मिनट थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो इसका क्या रिजल्ट आता है ना बाद में। तो ऐसे आपको करते रहना है, एटलीस्ट 10 मिनट आप करिएगा और मैं भी ऐसे करती हूँ। उसके बाद जब पूरा ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। हाय, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मेरे को 1 आवर हो गए हैं और मेरे बाल आप देख सकते हो कि एक नेचुरल तरीके से कर्ल हुए हैं और मेरे को अच्छे लग रहे हैं बिना किसी हीट के यूज किए, ऐसे ही कर्ल अगर आ गए हैं तो इसने ये काम किया है, वर्क किया है। और डेफिनेटली जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रेट बाल हैं और अगर ऐसा करते हैं तो ऑफ कोर्स करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप अपने बालों पे कर्ली जो हम बोलते हैं ड्रायर यूज करते हैं, स्ट्रेटनर यूज करते हैं, वो यूज करो, क्योंकि उसका देखो बाद में साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, बट बाद में उसका बहुत ज्यादा गंदा वाला उसका बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे बालों पे। क्योंकि क्या होता है ना, वो हीट जितना भी हम यूज करते हैं हमारे हेयर को वो डैमेज करता है। तो क्या होगा कि आपके बाल जो होंगे ना वो थिन होते जाएंगे। जैसे मैं अपने बालों की बात करूँ, जैसे मेरा एक हेयर की मैं बात करूँ, जैसे ये एक हेयर है, तो हमें पता रहता है ना कि ये थिन है कि थिक है, ठीक है। और जहां आपकी ये थिन वाला पतले बाल स्टार्ट हो गए ना, तो आप समझ जाना कि बहुत गंदा वाला फर्क पड़ेगा 1 ईयर के बाद, क्योंकि फिर वो वहीं से ही रूट आपका बंद करना बंद होने लगते हैं, जो हमारे स्कैल्प होते हैं ना वहीं से ही रूट जो है बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट है, ठीक है। तो हमें यूज करते हैं जो भी टूल यूज करते हैं, ड्रायर है, कलर है, स्ट्रेटनर है, तो हो सके तो बहुत ना के बराबर करो। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज करती हूँ, यूज करती हूँ बहुत कम चांस हुए तब मैं यूज करती हूँ, वरना मैं नहीं यूज करती हूँ, ठीक है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेरे हेयर को आप देख सकते हो जाके कि बिल्कुल स्ट्रेट है और उस पर मैं स्ट्रेटनर नहीं यूज करती हूँ। और अभी जैसे आप देख पा रहे हो ये, तो ये आ गया है कलर थोड़ा थोड़ा सा। तो सोचो जिसके हल्के से भी थोड़े से भी एक कर्ल हुए ना, अगर वो ये ट्रिक करते हैं तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट उनके बालों पे आएगा, ठीक है। और ये आपको जरूर करना चाहिए। हमारे घर पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे बालों को बहुत अच्छा, आपके हेयर ग्रोथ जो फॉल होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, उन्हें ट्रीट वो मतलब कम करेगा, ठीक है। और जो हमारे बालों से एक नेचुरल मॉइस्चर चला जाता है ना, जैसे आप नीचे के बाल देखोगे तो आपको कि छी झाड़ू जैसे बाल, तो ऑफकोर्स अगर आप ये मास्क यूज करते हो घर वाले ही, तो आपके बहुत अच्छे से आपके बालों पे एक नेचुरल तरीके से कंडीशनर यूज होगा, मॉइस्चर अप्लाई मतलब मॉइस्चर आपके बालों पे देगा, ठीक है। और अपने बालों को वॉश करने के बाद हमें कंडीशनर अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा टिप और ट्रिक आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा था ये वर्क किया है इसने मेरे बालों को एक नेचुरल तरीके से कर्ल कर दिया है।
तो आई होप अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो और कुछ आपको पता चला हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो प्लीज इसे लाइक कर देना, लाइक किए बगैर मत जाना। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।